फाइनलीस yes. आज आज है आशियालीक्टर और क्या क्या करते हो रेपो रेपर नाउ मॉडल एंड अ ब्यूटिफुल्यूमन बींगली ब्यूटिफुल सोल एंड ऑलवेज पॉजिटिव के 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 लिए, निकालने के लिए। लिए। so निकालने so मुझे बुलाने कोई <laughs> <उपस। laughs> बात नहीं तो आज आज आपका म्यूजिकल जर्नी देखेंगे yeah. आज आपका जर्नी देखेंगे आप चंडीगढ़ से मुंबई का पूरा जर्नी देखेंगे ठीक है है ना मजा आएगा हाँ। What मुझे है? भी जानना है पूरी तरह से क्योंकि हमने कभी बात नहीं करी है मैंने आपको कभी पूछा नहीं है कि yeah. एकदम का कैसा स्टोरी था Story, yeah. तो हम जानेंगे आज ठीक है, है ना? ब्रीफ में यस लेट्स गो फॉर इट चंडीगढ़ टू मुंबई का जर्नी क्योंकि मैं आपको मुंबई में मिला जी है ना हुँ. और आप ऑलरेडी मतलब निंजा के थ्रू हम मिले राइट निंजा थैंक यू सो मच मुझे तो जानना है बैकग्राउंड yeah. <laughs> कैसे हुआ आप कैसे आए क्यूँकी यूर स्टिल्वेंटी तो आप छोटे एज में आए एंड देन यू स्टार्टेड हसलिंग एंड एवरीथिंग ऑन ओन यू स्टिल हसलिंग बट कुछ सालों से चालू है हाँ. तो आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस जर्नी ओके तो स्टार्ट कहाँ से हुआ स्टार्ट ये हुआ था uh, मेरी मॉम से ऑफ कोर्स उन लाइक जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी ये तब से स्टार्ट हो रखा है तो इट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी तो मेरी मॉम uh, मेरी मॉम चाहते थे कि उनको एक बेटी हो जिसे वो एक्ट्रेस बनाए सिंगर बनाए यू नो मॉडल बनाए एंड फिर उनका कोई प्लान नहीं था बेबी करने का बस उन्होंने सोचा था कि काश मेरी एक ऐसी बेटी हो एंड सडनली मैं पैदा हो गई मतलब मैं हो गई उन्हें उन वो चाहते नहीं थे कि वो बेबी रखें उन्होंने काफ़ी कोशिशें की कि यू नो मतलब इसका रफा कर देते हैं इसको बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मोम मॉम बिजनेस वुमेन थे तो मॉम सोच रहे थे चंडीगढ़ जा के करती हूँ चंडीगढ़ से फिर बॉम्बे आके करती हूँ फिर बॉम्बे से चंडीगढ़ इस चक्कर में मैं पैदा ही हो गई फिर तो मम्मा को सबसे ज़्यादा प्यार और मुझसे था जितने भाई बहन हैं सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे था कितने भाई बहनों मैंने कभी पूछा नहीं हाँ हम तीन हैं एक मेरी सिस्टर है सबसे बड़ी okay. और मेरा भाई है उनसे छोटा उन एंड सबसे छोटी मैं हूँ सो फिर उसके बाद ये स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद फिर शॉर्ट में बताती हूँ मैं चंडीगढ़ से जब स्टार्ट की मैंने मेरी जर्नी जो मेन स्टार्ट हुई है आई वॉज फिफ्टीन ईयर्स ओल्ड तो मेरी मॉम सिंगल थे मेरे डैड कभी साथ में नहीं रहे थे तो ममा ने अकेले ही हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया था तो मैं फिफ्टीन की हुई थी तो आई टोल्ड माई मॉम की ममा आई एल हेल्प यू आउट विद थिंग्स तो फिर मैंने मॉम को बोला कि मॉम ठीक है अभी मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती हूँ आपके साथ थोड़ा काम वाम करवाना स्टार्ट करती हूँ तो मैंने जॉब करना स्टार्ट किया मैं फिफ्टीन की थी मैंने फ़र्स्ट जॉब की एंड फिर मेरे को लगा कि नहीं मेन फोकस मेरा पैसा कमाने पे रहेगा बिकॉज उसी से सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं यू नो मॉम के ऊपर रिस्पॉसिबिलिटी नहीं बनना चाहती थी मैं इवन माई ब्रदर वॉज वर्किंग एट दैट टाइम मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी तो वो चली गई थी उस टाइम पर सिर्फ मैं मेरा भाई और मेरी मॉम थे हम तीनों तो वहाँ से फिर मैं मिस इंडिया के लिए सिलेक्ट हुई फ्रॉम चंडीगढ़ uh, तो फिर मुझे बॉम्बे बुलाया गया था नेक्स्ट ऑडिशन के लिए तो जब मैं बॉम्बे आई तो फिर जब बॉम्बे आई 2015 में उसके बाद से फिर हम गए ही नहीं आएंगे <laughs> मैंने अपना लिया बॉम्बे ने अपना लिया बॉम्बे इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई लव मुंबई इट्स माय होम आई कैन से तो फिर उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग में आई <laughs> फिर मॉम चाहते थे कि मैं सिंगिंग करूँ उसमें भी ध्यान दूं बिकॉज एक्टिंग में अच्छा चल रहा था फिर मुझे मूवीज़ मिली हुँ. फिर मैंने मूवीज़ की फिर उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें की एक्टिंग की मूवीज़ की मॉडलिंग की सॉन्ग्स में एज अ एक्टर परफॉर्म किया फिर मॉम चाहते थे कि मैं सिंगिंग करूँ तो मैंने फिर रियाज़ करना स्टार्ट किया आपका एज क्या था जब आप मुंबई आए आई थिंक एटीन एटीन सेवनटीन एटीन के आसपास ओके टू थाउजेंड में आई कैन से इतना ही हुआ ना दस साल पहले हाँ दस साल पहले यस तो फिर उसके बाद जर्नी फिर मैंने सॉन्ग्स निकालने स्टार्ट किए तो मोम को बहुत अच्छे लगे एंड uh, तो या इट्स लाइक मोम्स ड्रीम जो मैंने अभी तक पूरा किया है वो मेरा ड्रीम इन था कि मतलब मेरे को करने में जो खुशी मिलती है इट्स सिंगिंग यू नो ये जब मैं स्टेज पर होती हूँ तो आई आई एम डिफरेंट आई एम ए डिफरेंट पर्सन आए एम डिफरेंट पर्सनैलिटी डिफरेंट वाइब्स

अच्छा लाइक अ रियलिटी शो फिर सच में अंदर रियलिटी है फेक है बट नहीं सब कुछ रियल है वहाँ पे अच्छा बट ऐसा हुआ था ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस मैं उस टाइम पे स्टिल स्ट्रगल कर रही थी पर उस टाइम पे क्या था बहुत ज्यादा स्ट्रगल था अभी इतना ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में नहीं करना पड़ रहा है मुझे पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया यू नो you लाइक know? आप छोटे हो आपके कोई सपोर्ट नहीं है सिर्फ मॉम है सिंगल भाई है ऑफ कोर्स वो वर्क कर रहा है तो खर्चे पूरे हो रहे हैं पर इंडस्ट्री से कोई भी ऐसा मेरा दोस्त नहीं था जो मुझे बोले अर्शिया आई एम डूइंग दिस यू कम विद मी यू आल्सो डू दिस है ना ऐसा कोई सपोर्ट मिला नहीं है सिर्फ गॉड ने मेरा हमेशा साथ दिया है उसके बाद मेरी मॉम मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड फ्रेंड्स लाइक शांतनु एंड मैनी मोर लाइक हर्षू जिया आकांक्षा आई एम वेरी ग्रेटफुल अलाइजा एवन के वो लोग मेरी जिंदगी में हैं मेरी मॉम के जाने के सॉरी गाइज ये मेरा प्रे अलार्म था सॉरी बहुत था ओके सो या इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड उन सबकी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल अगर ये लोग और अफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट मेरे फैंस जिन्हें मैं लवर्स बोलती हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है माई मॉम पास्ट अवे इन जैन दिस ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री या सो उनके जाने के बाद मैं बहुत अलग और बहुत स्ट्रॉग पर्सनैलिटी बन चुकी हूँ अब लाइक काफ़ी ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ मतलब इतना टाइम भी अपनी मॉम के बिना रह पाऊंगी बट ठीक आई एम डूइंग इट वेरी वेरी थैंकफुल टू माई फ्रेंड्स उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड गॉड उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स आई लव यूज थैंक यू फॉर बींग इन माई लाइफ नहीं यार तू बहुत स्ट्रांग है मतलब जब आंटी का okay. मैंने सुना तभी मैं सोच रहा था लाइक कि तू कितनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि तू खुद संभाल रही है like, you know, अपने लाइक yeah. अपने, अपने, like, क्या होता है बट द फैक्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अकेले हो इस शहर में फिर बाद में यू ट्राइंग टू हासिल

मेरे को ये जानना था कि एज अ वूमेन हाउ डू यू फील इन दिस सिटी मैं मुंबई करूँ हम लोग ने ये बारे में बात भी किया है एज अ यू आप इतने साल से रह रहे हो तो आपको क्या लगता है सिटी में कि एक औरत के लिए सिटी कैसे है एंड इफ़ समन इज कमिंग फ्रॉम अ बेस हाउ इज़ दिस सिटी कैसे लगा आपको मतलब ये जर्नी मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इंडिया में मुंबई छोड़ के मैं किसी और सिटी में रह नहीं सकती आई मतलब मेरा घर नहीं घर नहीं बोल सकती उस जगह को मैं चंडीगढ़ तो चलो होम टाउन है उसको छोड़ के बट बॉम्बे लड़कियों के लिए इतना ज़्यादा सेफ़ है कि आप मतलब इट्स वेरी सेफ़ आप रात को कहीं भी जा सकते हो यू you नो know, आपको ज़्यादा लोग छेड़ते नहीं हैं और यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट अगर आप सड़क पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना अगर कोई चीज़ें हो रही है ना किसी लड़की के साथ या कुछ भी मिसहैपनिंग हो रही है तो चार लोग आके बचाते हैं कि ऐसे मत करो hmm. मेरी आंखों के सामने की बात है मैं एक जगह पे मेरे साथ ही हुआ था ये इंसिडेंट इन चंडीगढ़ आई वाज आई थिंक सिक्सटीन सेवनटीन इयर्स ओल्ड मैं कॉन्सर्ट okay. में गई थी एंड मैं अपनी एक सिस्टर के साथ गई थी कॉन्सर्ट में पहली बार गई थी मम्मा ने कहा था कि ठीक है ध्यान से जाना तुम दोनों अकेले जा रहे हो सिस्टर थोड़ी बड़ी थी कज़न सिस्टर थी तो मैं वहाँ पे गई तो हमारे पीछे कुछ छः सात लड़के पड़ गए और मतलब पंजाबी लड़के हट्टे कट्टे बड़े मतलब मेरे उस टाइम पे इफ़ आई एम सेवनटीन तो मेरे लिए तो वो भैया ही हो गए ना फिफ्टीन सिक्सटीन के आसपास था शायद तो मेरे लिए भैया ही हो तो मैं ऐसे देख रही थी तो मैं डर गई थी बहुत बहुत ही स्कैरी था मेरे लिए उस टाइम पे और मैंने देखा मेरी कज़न भी मेरे साथ और वो लोग पीछे पीछे घूम रहे और पूरा क्राउड भरा हुआ है वहाँ पर इट्स फुल ऑफ पीपल फुल ऑफ पीपल ठीक है फिर उसके बाद मैं ऐसे बैक स्टेज चली गई थोड़ा सा ना कि मतलब लोग बहुत ज्यादा हैं तो मैं जैसे बैक साइड गई मैंने देखा वहाँ पे ना लोग खड़े हैं फैमिली खड़ी है एक पूरी एक मम्मा पापा बच्चे तो मैंने कहा इनके साथ जाके खड़ी हो जाती है उनको लगेगा मैं किसी के साथ हूँ तो छेड़ेंगे नहीं मुझे नहीं। तो मैं जाके वहाँ पे ऐसे खड़ी हो गई तो आंटी ने मैंने कहा आंटी आंटी आप मेरे को ना ये मेरे को लड़के छेड़ रहे हैं तो आप दो मिनट मुझे यहाँ पे खड़े रहने दो आप बोल देना मैं आपके साथ ही हूँ उस आंटी ने मुझे पता है क्या बोला नहीं 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 हम आपको नहीं जानते जाओ यहाँ से वोट वो भी डर गई होगी कि कि मतलब उसको लगा होगा किसी किस, उनके उनके पास उनके पास people, उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को बोला और मैंने लड़कों को देखा मैं उसको हाथ पकड़ के भागी हूँ मैं वहाँ से भाग के घर गई हूँ मम्मा को बोला आपके बिना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ इन चंडीगढ़ बट मुंबई इज वेरी सेफ हाँ जी हाँ जी हेलो हेलो यस व्हाट्सअप तो स्प्लिट्स विला के बाद कुछ ऐसा कुछ चेंज हुआ विला ही मतलब मेरे लिए बहुत बहुत ऐसी स्टोरी थी कि बोल सकते हैं गॉड का गिफ्ट था एक मेरी तरफ से मेरा कोई भी चांस नहीं था वहाँ पे जाने का और मैंने सुना था विला के बारे में कभी देखा नहीं था मैंने एक बार ऐसे एक यू you नो know, पाँच दस मिनट का ऐसे बचपन में देख लिया होगा तो बाटा नहीं तो कभी नहीं देखा था मुझे पता भी नहीं था वहाँ होता क्या है पर मुझे एक बार फ्लाइट में मैं चंडीगढ़ से बॉम्बे जा रही थी मुझे प्रिंस सर मिल गए प्रिंस नरूला साहब तो वो एक चीज छोड़ के बैठे थे मैं विंडो साइड बैठी थी तो मैंने ऐसे देखा मैंने कहा सर आपको कहीं देखा है मैंने उनको रोडीज़ में देखा था तो सर कहते हैं हाँ तुमने रोडीज में देखा होगा मैंने बोला हाँ जी हाँ जी तो फिर मैंने उनको बताया कि मैंने उनको अपने गाने सुनाए कि सर ये सब गाने हैं मेरे जो मैं कर रहे करने वाली हूँ उन्होंने अपने गाने सुनाए एंड फिर उन्होंने बोला अर्शा तो एक बहुत अच्छी पर्सनलिटी है आई थिंक यू शुड गो फॉर स्पिट्सुला मैंने बोला स्पिट्सुला या आई कैन गो सो बट मेरे को पता नहीं कैसे जाऊँ मैं किसी को जानती नहीं हूँ तो उन्होंने बोला कि ठीक है आई एल गिव यू दिस नंबर तुम ऑडिशन दे दो जाके तो मैंने बोला ठीक है सर तो मैं गई मैंने ऑडिशन दिया एंड फिर मैं सिलेक्ट हो गई एंड फिर उसके बाद स्पिट्स स्पिट्स से मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज मिला कि आ, वहाँ पे जाके मुझे ये पता चला कि किस किस तरह के लोग होते हैं दुनिया में यू you नो know, आपके फेस पे बहुत अच्छे बनेंगे है ना आपको पब्लिक के सामने बुरा दिखाएंगे मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे तो और बहुत अच्छे लोग भी मिले मुझे ऐसा नहीं है सब बुरे मिले <coughs> मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले सारे इंडिया से आए रहेंगे वहाँ पर लोग हाँ कुछ इंडिया के बाहर से भी थे लाइक श्रीलंका से था एक लड़का संभव वो भी अच्छा दोस्त था hmm. तो बहुत अच्छा एक मैसेज उसके बाद मेरी आ, मेरा जो चीज़ों को लेके जरिया था वो देखने का जरिया वो बदल गया था नज़रिया देखने का नज़रिया बदल गया था एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई तो कितना टाइम थे वहाँ पर स्पिट्स में मैं थी आ... मतलब रहना भी पड़ा होगा रहना मतलब मैं पहले रुकी थी वहाँ पे मतलब स्टार्टिंग के दो तीन एपिसोड तीन एपिसोड में मैं निकल गई थी बिकॉज मुझे पता नहीं था खेलते कैसे हैं मतलब किसको वोट करना है किसको नहीं करना है मुझे कुछ नहीं पता था उस गेम के बारे में मुझे लगता था वो मेरा दोस्त है तो मैं उसको बचाऊंगी मतलब आई वॉज प्लेइंग लाइक दैट मुझे नहीं पता था कि कुछ अलग तरीके से खेलना पड़ता है गेम उन्होंने बोला कि मैंने सोचा मैं रियल रहूंगी मैं चाहती थी लोग मुझे वैसा ही पसंद करें जैसी मैं हूँ Hmm. तो मैंने वो ही मैसेज दिया वहाँ पे hmm. तो आई वॉज माई सेल्फ मुझे नहीं पता था कि ये मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है तो फिर मैंने कहा इट्स ओके मैं बाहर भी चली गई कोई बात नहीं मैं निकल गई थी शो से आशीष भाटिया मेरा अब बहुत अच्छा दोस्त है वो <laughs> उसने मुझे निकाल दिया था तो आ, या फिर उसके बाद मैं मेरे को वापस बुलाया था वाइल्ड कार्ड एंड जब मुझे वापस बुलाया था जब ये टी पे चल रहा था ओ गॉड इंस्टाग्राम कौन से ईयर सीजन था विजिया आई थिंक 2020 2020 19 में, में शूट हो गया था ये 2020, 2020 90, मतलब जस्ट कोविड में या yeah, कोविड में तो हुआ ही नहीं था शूट तो ये 19 को 2019 19 में आया था, था okay. तो 19 को आया था एंड 20 फुल लॉकडाउन था तो शूट हुआ नहीं तो दो साल हमारा ही चल रहा था ओके okay. बट हमें आ, ऐसे पर्सनली वराउंट तो प्रॉफिट हमें ज्यादा हुआ नहीं बिकॉज़ लॉकडाउन था तो हम कहीं जाके बाहर पब्लिक के साथ कुछ बात नहीं कर पाए या फिर काम नहीं कर पाए हम उस टाइम पे बिल्कुल भी तो हम मतलब ये था कि पब्लिक जानने लग गई थी अब कहीं जाते हो तो लोग कितने प्यार से आपको ट्रीट करते हैं ना आई यूज टू बी लाइक वेरी नॉर्मल मतलब मैं तुम्हें तो पता ही है मैं खुला सा कोई भी एक पाजामा खुली सी शर्ट पहन के घूमती <laughs> रहती हूँ एंड एक बार मतलब इतने ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है ना मेरे साथ गाइज आई कान इवन एक्सप्लेन कि कुछ लोग मुझे इतना प्यार करते हैं क्योंकि तो गाय है। Yeah, It's a compliment. Yeah, thank you so much. I'll <laughs> take it like that. And yeah, वहाँ से जर्नी चलती रही है बहुत अच्छा हो गया के बाद काफी अच्छा हो, गया।, Instagram also, कितना ये हो Instagram गया तो बूम हो गया मतलब जब मैं बता रही थी तुम्हें वाइल्ड कार्ड वापिस आई थी तो लोग रो रो के मुझे स्टोरीज भेज रहे थे इतने खुश हैं वो मेरे वापस आने से आई लव यूज लॉट और एक मेरी फैन है जिसके बारे में बताना चाहूँगी

सिर्फ देना चाहिए दो कान के नीचे कोई नेगेटिव <laughs> वाइब <vibe> दे तो यस बिकॉज़ वाइब्स वाइब्स बोलो गाइस इट्स अ एनर्जी ओके यू कैन मेक इट यू कैन ब्रेक इट बट यू कैन ट्रांसफर इट ओके सो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव तो तभी हमारे आसपास वाले पॉजिटिव होंगे और हम ग्रो करेंगे यू you नो know? अगर हमारे आसपास वाले वाले नहीं भी है ना वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे अगर आप हो बट अगर आप खुद ही नेगेटिव रहोगे तो आप कैसे कर पाओगे वो चीज़ें सो मेक श्योर बी पॉजिटिव एंड अपना और हमेशा पॉजिटिवनेस से ही भर के रखें हंड्रेड परसेंट आर से अभी क्या चालू है मुझे पता है अभी तो मेरे को पता है मैंने जस्ट रैप सुना बट yeah. करेंटली क्या प्रोजेक्ट चालू वॉट आर यू शूटिंग कौन सी मूवीज करिए बीच में, में को पता है कि uh, यू ऑल्सो वर्क विद केसरिया लाल यादव है ना yeah. जो मेरे को बहुत कूल cool लगा मतलब yeah. वो लॉर्ड ऑफ पीपल बहुत सारे लोग को नहीं पसंद लेकिन मेरे को बहुत पसंद है yeah. नहीं, तो वो काफी अच्छा भोजपुरी सिनेमा का क्या एक्सपीरियंस <laughs> है क्योंकि <laughs> ये है। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है।, है बहुत सारे लोग मतलब को लगता है ये टैबू है <laughs> या ये ये सही नहीं है या पता नहीं मतलब यूपी और बिहार के जित बाहर जितने भी लोग हैं उनको मतलब वो लोग रिलेट नहीं कर पाते मैं तो रिलेट कर पाता हूँ मेरे को तो बहुत पसंद है मतलब भी कर लोग भी पसंद है वहाँ का म्यूजिक भी पसंद है yeah, और जब मैंने पूछा था तभी यू नो युवा टेलिंग मी कि यार वो तो लोग सही है वो लोग बहुत सही है तो yeah. बहुत हमें <laughs>

या एटीन की बात होगी शायद सेवेंटीन hmm. या एटीन की बात है एंड दैट टाइम आई यूस्ट टू वर्क इन अ रेस्टोरेंट ठीक है मैं वहाँ पे ऐसे गाना गाती थी तो फैमिली जाके खाना खाते थे वहाँ पे एंड hmm. मुझे बोल के जाते थे यू सिंग वेरी वेल लेट्स सो नाइस तो वहाँ पे हमें पर डे के हिसाब से जो पेमेंट मिली जा मिलती थी वो थी थ्री थाउजेंड रुपीज़ और हमें कितने सेवन एट आवर्स करना पड़ता था गाना hmm. पड़ता था वहाँ पर ब्रेक ले ले सकते थे हम बीच में आधे घंटे का hmm. तो वो टाइम आई थिंक मैं जहाँ पे काम कर रही थी वहाँ का जो ऑनर्स था उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया लाइक बहुत ज़्यादा ठीक है एंड ही इज़ लाइक बी माई गर्ल फ्रेंड आई वॉज लाइक देखो मेरे को अगर आपकी गर्ल फ्रेंड ही बनना है मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ मैं मेहनत थोड़ी ना करती अगर मैं हाँ है ना मैं खुद मेहनत से इतनी मेहनत कर रही हूँ आपको शर्म आनी चाहिए ये ये चीज़ मुझे बोलते हुए मुझे बोलता है कि या तो तुम कल से आना मत और अगर आओगी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोज hmm. like, <laughs> और फिर मैं घर पे गई आई टोल्ड माई मॉम ये मम्मा ऐसे ऐसे बोल रहा है मम्मा कहते तू छोड़ छोड़ते दारू पी रखी है इस वजह से ऐसे, ऐसे बोल रहा है कल तक को कॉल करके बोलेगा कि तू आ जा वापस ठीक है एंड आई उस क्राइंग के कितने घटिया लोग होते हैं दुनिया में मतलब है ना उस टाइम पे ना तो यू you नो know, अभी मुझे ये चीज़ लगती है कि ठीक है अर्शिया वो चीज़ मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती वो होनी ज़रूरी होती है लाइफ में एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई मॉम जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से वो चीज़ें चीज़ों में से निकलना सिखाया सिचुएशन सिखाई हैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर एंड या तो वहाँ से वो ख़त्म हुआ तो मुझे उसका नेक्स्ट डे कॉल आया मैंने उसका कॉल आया मैं मम्मा को बोला उसका कॉल आ गया पर मैं उससे बात नहीं करूँगी अब मम्मा कहते नहीं उठा के उसको बोल दे तुमने नहीं आना मना करते पर बोल दे ऐसे ऐसे नहीं करते तो ममा ठीक है मैं फ़ोन उठाया मैं बोला कि हाँ जी तो बोलता है अच्छा प्लीज आ जाओ यार तो सॉरी मैंने कल दारू पी के ये वो आपको क्या बोल दिया मैं बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी ईगो भी होती है ना कुछ है ना हाँ। तो मैं नहीं गई वहाँ पे तो मुझे मैसेज आ रखा था भोजपुरी का कि ऐसे ऐसे करके उनको एक्ट्रेस चाहिए पवन सिंह देखा मतलब इंस्टाग्राम देखा और आपको

वो वैसा नहीं कर सकते जैसे आपकी मॉम अकेले कर सकते हैं सो या सो वहाँ से फिर हम गए ऑडिशन पे हमें ऑडिशन पे बुलाया कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो गई है भोजपुरी hmm. मूवी के लिए मूवी है पवन सर के साथ okay. पवन सिंह नाम है उनका वो भी भोजपुरी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं तो मॉम एंड मैं हम तैयार होके चले गए तो वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अच्छे हो रिकने में वो तो हाइट वगैरह चेक कर रहे थे

एंड मैंने गाना सुना था लॉलीपॉप पॉप लागे लू क्योंकि मैं और मेरा भाई उसपे बहुत एंजॉय करता है ठीक है नु जब ला लॉप लागे लू।, लू कमरिया 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 ओ <laughs> <laughs> क्या लॉलीपॉप पॉप तो ये ये पवन क्या? पवन गुप्ता का गाना है पवन सिंह उनका गाना है हाँ ये उनका गाना oh, wow. है और मैं, था। था yeah. <laughs> really? nice. मैं चंडीगढ़ में तो हम ये हमें पता नहीं था कि मैं बड़े होके उनके, उनके साथ, साथ ही मूवी करने वाली हूँ तो उनके साथ सिलेक्शन हो गई तो फिर मैंने फर्स्ट मूवी उनके साथ की थी जिसमें महेश मांजेकर जी जो है वो मेन विलन है उनकी भी फर्स्ट भोजपुरी मूवी थी मेरी मूवी मूवी का नाम है बॉस अमेजिंग या बॉस एंड बहुत अच्छी मूवी है ये uh, आप देखिए अगर आपने नहीं देखी यूट्यूब पे है इसमें मेरा एक्शन है मैंने लड़कों को मारा है हाँ यस फाइटिंग सीन करके यूट्यूब पे है हाँ. हाँ तो देख सकते हैं <laughs> हाँ, देखते हैं यूट्यूब पे बॉस आगे करके वो सीन देख, हाँ, देख सकते, है? सकते हैं <laughs> <laughs> बॉस पवन गुप्ता पवन सिंह पवन सिंह सॉरी सॉरी माय बैड माय बैड बहुत मेरे पवन गुप्ता शाउट आउट टू पवन गुप्ता मेरा दोस्त है हाय पवन गुप्ता बट वी आर टॉकिंग अबाउट पवन सिंह सॉरी सॉरी माय बैड यस सीन तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा जर्नी था तो मतलब वो लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है उनका मतलब प्रोफेशनलिज्म इज वेल है उनका सब का अलग-अलग तरीका जीने का you know <laughs> but मेरे साथ सर ठीक थे मैंने सुना है सर थोड़ी गुस्से वाले हैं but मेरे साथ सर अच्छे थे ठीक थे बढ़िया थे दोनों ही okay पवन सर और केसारी दोनों बढ़िया थे okay वो सच में fighting scene है my mom cried that watching that scene when I was doing the action I, I wanna see I'm waiting mom cried आगे कर दो scenes ना इसके आगे oh आशिया two thousand which year

बच सकती हूँ गुंडों से मुझे किसी की जरूरत नहीं है ये मैसेज था इस मूवी में अच्छा वाह मेरे को भोजपुरी बहुत ये बोल रहा है कि मुझसे हाथ लगवाने छुआने की खातिर आज ये आई है कॉलेज अच्छा मुझसे हाथ लगाने के लिए आई है तो मैं क्या करती हूँ इसका हाल देख लो आवाज कम करो ना अभी इसके बाद आवाज नहीं आएगी यस नहीं करो बजा हाँ, हाँ। बजा बजाएगा थोड़ा आवाज करो बजाएगा थोड़ा आवाज करो आवाज करो आवाज करो आवाज करो वाव यार ये तो एक्शन करके बैठे हो आप तो ओ माय गॉड ये क्या था That's it, that's it guys. इसके आगे कर सकते nice, हैं। nice, अभी सब nice, लड़कियों nice, nice. को इंस्पायर कर दिया मैंने और वो, पे वो और वो लड़ पड़ी है वो लड़ रही है अपने खुद के लिए और वो मार रही उन लड़कों को भी बट nice. message. ये, message but... yeah, ये हुआ था टू थाउजेंड एटीन या 19 में शूट नाइस और इसके बाद गाने भी किए हैं। हाँ वो रहने दो वो बात वो, देख <laughs> वो देखना है, है क्या <laughs> देखना हाँ, है।, हाँ, है, है, है? है यूपी बिहार में लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है बहुत सही है बहुत प्यारे लोग है मेरे दिल के बहुत करीब बहुत अच्छे मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है मेरे बहुत दोस्त है और हम भी है सब भारत के लोग हैं बट बिल्कुल अलग है ना हम एक गाने के साथ आते हैं भोजपुरी गाने के साथ आना चाहिए <laughs> कि सारी सर को फीचर कर लेते हैं हंड्रेड परसेंट वो हो <laughs> 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 अभी इसमें भी वो मुझे बोल रहे थे और लस्सी करो मैंने कहा और लस्सी 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 क्या होता है लस्सी लस्सी ओ इससे ज़्यादा लस्टी मैं मैं नहीं दे सकती <laughs> oh, <shit. laughs> नहीं लेकिन ये जॉनर है मतलब तीस yeah. 30 करोड़ है यार इंडिया में दिस 30... गाना ये लखनऊ में भी बहुत फेमस है लोग मुझे बहुत प्यार मिला लखनऊ में मेरे पोस्टर्स लगे हैं एक हुँ. बिंदु फैशन के साथ मैंने काम किया है मेरे दोस्तों ने कंपनी स्टार्ट की है कपड़े की वेरी गुड सूट्स एंड साड़ीज एंड उन्होंने वहाँ पे इतने बड़े बड़े हुडीज लगाए हैं लखनऊ में एंड नीचे नीचे लिखा है और और नीचे लिखा हुआ है नथनिया गर्ल क्योंकि वहाँ पे ये गाना इतना ज्यादा फेमस है कि उन्होंने नथनिया गर्ल लिखा है कि इस गाने की लड़की है जो मॉडल है उनका बहुत अमेजिंग वहाँ का प्यार अलग ही है यार मतलब yeah. वहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं टाइम और थ्री जीरो थ्री थ्री जीरो थ्री थ्री जीरो थ्री

<coughs> मैंने okay. अभी सुना बस मैं चाहता हूँ कि लोग भी सुने ओके okay, मतलब याद है हाँ हाँ मेरे को पता है कि आप सिंगर हो जी है ना हुँ. और गाने के किस पे चेक मतलब जो अगर नए सुन रहे तो व्हाट इज़ द चैनल चैनल मेरा खुद का है Correct. अर्शी अर्शी के नाम से एंड यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं उनसे right. गाने आएंगे एंड स्पॉटिफाई पे आप सुन सकते हैं अर्शी अर्शी सेम नेम

राका मेरा भाई है एंड uh, बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा इंसान है एंड uh, उनकी पूरी फैमिली उनकी मॉम उनकी वाइफ हाँ एंड अभी वो फादर बनने वाला है कॉन्ग्रेचुलेशन प्रो एंड भाभी एंड एवरी वन एंड बहुत ही प्यारा इंसान है तो वो लिखता है गाने एंड hmm. वो बनाता है एंड हम लोग बैठे थे मैं बोला भाई मैं जब भी डेली जाती हूँ मैं वहाँ पर ज़रूर जाती हूँ hmm. मैंने कहा नहीं कुछ तो बनाना है उसके पास गए हो आप कुछ बना के ही बाहर लिख लोगे तो मैं गई हम बैठे उस गाने पर हमने काम किया एंड स्माइली और मैं थे उस दिन आ, राका आई थिंक किसी अवार्ड फंक्शन में गया हुआ था हैदराबाद आई गैस तो और मे बी लखनऊ आई गेस कोई तो जगह थी एंड फिर वो नेक्स्ट डे आया सुबह और मैं पूरी रात हमने बैठ गाना के गाना लिखा है सुबह के पाँच छः बज गए थे एंड आई वॉज अमेजिंग राइटिंग दिस सॉन्ग विद माई ब्रदर स्मायली एंड राका थोड़ा सा म्यूजिक भी हिप हॉप यस यस रैप गॉड एस मेरी बारी अब कर नोटिस मैं बहुत उससे बहुत अलग बहुत अलग फीमेल रैप आर्टिस्ट करना है सीन चेंज होनी है सबकी सोच चेंज ये लड़की बज रही है ड्रिल पे वस्तु फील ले ए कर दिए मुह सबके जो मुझे टोकते थे होगा नहीं तुझसे कुछ जो आके भोंकते थे पर मैंने कर दिया तक तू बस आँखें सेख अब बहुत जाना ऊपर खुद लगी है रेस यस सर मैं रैप गॉडस टाइम मेरी बारी अब कर नोटिस मैं बहुत उसी बहुत अलग बहुत अलग फीमेल रैप आर्टिस्ट यस सर मैं रैप गॉडस टाइम मेरी बारी अब कर नोटिस मैं बहुत उसी बहुत अलग बहुत अलग फीमेल रैप आर्टिस्ट ये ये फीमेल रैप आर्टिस्ट ये ये फीमेल रैप आर्टिस्ट ये सॉरी सॉरी इसका एक हुक सुनाओ या इतना काफ़ी है सुनाओ सुनना है तो हम क्यों नहीं रुके करना सर ऊपर वाला दे रहा देख मेरी चढ़ती कला मेरा बदल रहा आज रखा मैंने खुद पे भरोसा यही है मेरी रा सॉरी खुद पे कंपटीशन कोई नहीं है मेरे बात अब मेरी बारी है पूरी तैयारी है देखना है कौन कितना पानी में लड़कियां कम ना किसी से देश बदलने की बारी है कितना दिन चाहता रोकना पर मुझे रोक ना पाए खुद की संभाली नहीं जा रही और मुझ पर उंगली उठाए

कि आज यूर सिटिंग इन सच इतने अच्छे दोस्त हैं yeah. है ना मतलब शहर में रिस्क yeah. जब रिस्क लिया तो फिर इश्क हुआ <laughs> 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 मतलब लोगों से शहर yeah, से exactly, ना, yes, है ना? Yes, अगर रिस्क नहीं yes. नहीं लेते तो तो, तो फिर इस्क इस्क नहीं होता बट तो, uh, क्या मैसेज दोगे कि क्या, उनके लिए क्या मैसेज है कि अगर उनके घर पे प्रॉब्लम्स है या एज बींग गर्ल है Uh, मेरा मैसेज यही होगा कि एज अ गर्ल लोग मतलब आपको आगे बढ़ता देखना नहीं चाहते हैं और और मतलब यू you नो know, आपको अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए एंड कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए खुद के रूल्स बना के उन पे चलना चाहिए एंड ऐसे रूल्स बनाओ जो गॉड की निगाह में भी अच्छे हों और आपकी फ़ैमिली की निगाह में भी अच्छे और आपकी खुद की निगाह में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अच्छे होने तो अगर आप वैसे रूल्स बनाएंगे और चलेंगे और सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंट ये चीज़ है कोई आपको कुछ भी बोले कि आप नहीं कर सकते डोंट बिलीव दैम गाइज डोंट बिलीव दैम बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं दुनिया में जिन्होंने मुझे कहा है तू नहीं कर सकती तुझसे नहीं होगा मेरी मॉम ने हमेशा मुझ पर बिलीव रखा माई फैमिली माई फ्रेंड्स उन्होंने मुझे कहा तू कर सकती है तू कर सकती है अर्शा और मैंने किया एंड और मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड भी है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी उसे बुरा लग जाएगा जिसने मुझे कहा था कि तू सिंगर नहीं अर्शिया तू नहीं कर पाएगी hmm. तू एक्टिंग कर तू बस एक्टिंग कर बट मेरा हमेशा से बिलीव था कि मैं दोनों चीज़ें कर सकती हूँ और मैं कई और चीजें कर सकती हूँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं एक बिजनेस वुमन भी बन सकती हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ जिंदगी में एंड मैं कर रही हूँ चीजें अब अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिकॉज मैंने इमेजिन किया था अपने आप को ऐसा तो अपने manifestation है manifestation, है। key, everyone, और आपको खुद पे भरोसा रखना होगा, होगा। इस दुनिया में आपके काम कोई नहीं आएगा ट्रस्ट मी ऑन दैट कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि हमें लगता है हमारी फैमिली हमें समझ नहीं रही है या फ्रेंड्स हमें समझ एक नहीं एकदम अकेले हो जाते हैं एंड ऐसा लगता है कि उस टाइम पे गॉड हमारे साथ होते हैं एंड उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया है एंड एम आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि जब मेरे पास सारे रस्ते बंद हो जाते हैं मैं प्रे करती हूँ एंड वो रस्ते खुल जाते हैं सडनली नेक्स्ट डे मतलब अगर एक एग्जाम्पल बताती हूँ तुम्हें मतलब एक महीना हो गया दो महीने हो गए मेरे पास काम नहीं कुछ नहीं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं प्रे कर रही हूँ काम चल थोड़ा बहुत आ रहा है तो उससे रेंट कैसे पे करूँ रेंट बहुत एक्सपेंसिव है मम्मा को लेके वन बी के में मैं आ, रह रही थी बॉम्बे में एंड द नाइट मतलब नेक्स्ट डे मुझे पे करना है ठीक है एंड मैं ऐसी स्ट्रेस ले रही हूँ कि क्या होगा क्या होगा रात को प्रे करके सो गई हूँ एंड नेक्स्ट डे मम्मा का मम्मा वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके एक शूट आया बेटा लेट्स गो मतलब इट्स इट्स लाइक दैट मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा मेन uh, भाग है गॉड का आई कैन से इतना बड़ा पार्ट है मेरी लाइफ में सबसे पहले मैं उन्हें रखती हूँ गॉड को सबसे पहले रखो रखोगाइज दुनिया में कोई भी आपको छोड़ सकता है गॉड आपको कभी नहीं छोड़ सकते वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे आपके साथ हमेशा रहेंगे आई बिलीव दैट अलॉट सो एंड ऑलवेज बिलीव योर फैमिली वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं हमें लगता है कई बार वो हमारे फ्रेंड्स को लेके भी बोलते हैं चीज़ें कि नहीं वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो हमें लगता है हमें पता है वो कितना अच्छा है क्योंकि आपको नहीं पता हमने क्या टाइम देखा है नहीं हम गलत है उन्हें पता होता है क्योंकि वो चेहरा देख के उन्हें समझ में आ रहा होता है कौन कितना पानी में आएगा स्ट्रेस में ऑन दैट मेरे साथ ऐसा हुआ है मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि ऐसे दोस्तों से दूर रहो मत जा ये तुझसे जलती है बचपन में लगता नहीं ये सही है मेरे यार में कैसे अपने फ्रेंड्स को बोलूं वही फ्रेंड्स लाइक मेरी वॉर्म के जाने के बाद मतलब दे लव मी द वे दे यूज टू लव मी एंड मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट वो था फ्रेंड्स जब डिच करते हैं वो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है इट्स मोर पेनफुल देन अ ब्रेकअप ट्रस्ट मी ऑन दैट बिकॉज एक आठ नौ साल की जो दोस्ती होती है है ना hmm. वो अगर आपको आठ नौ साल के बाद ये चीज़ें बोलते हैं कि यू कॉन्ट बी योर सेल्फ यू कॉन्ट से वट एवर यू वॉन्ट इन फ्रंट ऑफ मी आई what? लाइक वट आफ्टर नाइन ईयर्स यू आर this दिस की मतलब आई कॉन्ट आई कैंट बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू ऐसी फ्रेंडशिप मुझे नहीं चाहिए और मेरी माम ने मुझे वो फर्स्ट डे उसकी शक्ल देख के बोल दिया था कि ये तेरी दोस्त नहीं है hmm. तो पेरेंट्स को सब पता होता है आपको लेट समझ में आएगा आपको ये ठीक है वो भी एक एक्सपीरियंस होता है अगर आपको लेट समझ में आए बट अगर आप पेरेंट्स की बात सुन लो तो वो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है ना उन दोस्तों के साथ वो हाँ। बच जाता है येस लिसन योर पेरेंट्स एंड बिलीव इन योर सेल्फ डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ एंड बी हैप्पी हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस बी हैप्पी एंड यू विल बी सक्सेसफुल इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग मेरे को ऐसा लगता है कि uh, तेरे uh, एज में हाँ. मतलब मेरे को ऐसा नास्तिक जो लोग हैं उनसे मुझको प्रॉब्लम है अच्छा बट जो लोग बिलीवर्स हैं कुछ भी चीज लाइक यू बिलीव इन एनी गॉड राइट और सिचुएशन जब जैसा यू नो सिचुएशन जब जो भी सिचुएशन से गुजरे हो मेरे को भी उस सॉलेस मिला है हाँ. मतलब एक कम्फर्ट uh, मिला है कोई दूसरे फॉर्म ऑफ गॉड में Um, we don't probably have the the same same gods but 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 thing exactly images look, alag hai. faith faith is very important में ये चीज रखना ये mentality रखना जब आज की लड़कियाँ मतलब समझ रहे हो बहुत दूर चले गए हैं ब्यूटिफुल गर्ल लाइक talking टॉकिंग about god is not common है ना कि I am finding confidence in god ये कोई बोलता नहीं है क्योंकि बहुत लोग हैं and दिस फाइंडिंग कि तेरा सोच जानना कि hmm. आंटी जी है yeah. ना, है ना माँ सोच है और फिर भगवान सोच है दिस दिस आर वेरी प्योर थिंग्स और ओनली व्हेन यू जब आपसे बातें करेंगे व्हेन यू कम टू नो कि लड़की कितनी स्ट्रगल कर रही है मुंडी yeah. कितनी स्ट्रगल कर रही है Haan. तब समझ में आता है कि यार किसका हाथ पकड़ी है ना और ये बहुत अच्छी मतलब अमेजिंग टू सी कि इट्स गॉड्स हैंड्स एंड क्योंकि यू कूड है दुनिया दुनिया भर भर के 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 ड्रग्स नशे तो पड़े ही हैं हैं है yes, exactly. है ना और फिर भर के, आ, तरीके अपने अपने आप आप शरीर को डिस्ट्रॉय yes, करने exactly. लिए लिए बहुत बहुत लड़कियों इजी उस वो चीजों से लिकल के आप अपने वे में चल रहे। आपको जैसे जीना आप वैसे रहे हो अपनी ज़िंदगी इट्स वेरी हार्ड इट मैटर्स क्योंकि जब आप हर चीज में कॉन्शियस हो ना तो जब छोटे छोटे चीज क्योंकि स्पेशली मुंबई में हर चीज फास्ट है yes. देखा है आपने yes. पांच बजे से पांच बजे हाँ. सुबह पांच बजे <laughs> से रात के मतलब सुबह के पांच बजे तक कंटिन्यूस चालू हाँ. तो इतने सब चीजें आ रहे हैं अगर आप ना नहीं बोल सकते तो तो, तो आप कॉटअप हो जाओगे yes. है ना? और गॉड का तो होना चाहिए जैसे મેકઅપ કપાતા હે કી યુ કીપ ડુઇંગ પ્રેરસ મતલબ આપકા એક સર્ટન ટાઈમ હોતા હે યુ ગો એન્ડ યુ ગો પ્રેરસ સેટર્ડે આઈ ફોલો સેટર્ડે યહ દિન મે ભી ટાઈમ હોતા હે તો સર્ટન ડિસિપ્લિન હે બિલીફ હે તો નો ભી બોલ સકતે હો કી નહીં યાર મુજે યે નહીં કરના હે યે નહીં કરના યે નહીં કરના હેના આઈ ધીંગ ઇઝ બીકોઝ ઓફ ઓલ ધીસ થિંગ્સ નહી તો આપ હા બોલતે જાવગે હર ચીઝ કે हर चीज ठीक है कोई नहीं तो है विश्वास नहीं है तो मतलब है ना सब करो नशे करो yes, जो भी है yes, exactly. But because आपके आंटी के दिए हुए ब्लेसिंग आप बोलते नहीं मुझे ये you know, नहीं करना है नहीं करना है कई चीजें ऐसी करना पड़ता है आप अपनी सुबह उठ के अपने आप को फेस कर सको शीशे में देख सको बस ऐसी यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आजकल लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपनी लाइफ में इतने बिजी होते हैं डू मेडिटेशन इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इट काम्स यू लिटल बेड यू नो इट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ यू बी यू नो लर्निंग गुड थिंग्स डूइंग गुड थिंग्स एंड यू नो मैं अपना एक चीज़ बताती हूँ लास्ट कि मैं अभी कल कल परसों की बात है मैं तो मैं तुम्हें बता रही थी ना कि मैंने मैंने ऐसे नॉर्मल बैठ के तो जाम करते करते वो प्रॉपर एक वर्स बन गया और उसका नेक्स्ट डे जाके पूरा गाना रिकॉर्ड कर लिया आई वाज थिंकिंग अकेली थी तो मैंने अपने साथ जब थोड़ा टाइम स्पेंड तो किया creation

दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि आप अपनी फीलिंग्स आगे लोगों को दिखा रहे हो कि वट यू फील्स हाउ यू डू थिंग्स यू नो सो हाउ यू डू थिंग्स तो ऐसा एक्सप्रेस करने को मिलता हाँ, है व्हेन यू अलोन क्रिएशन बाहर निकलती yes, है क्रिएशन बाहर निकलती है hmm. और फिर लोगों को बता सकते हैं जैसे मैं अपने गानों में खुद अपनी फीलिंग्स डालती हूँ है ना hmm. तो वो मैसेज लोगों तक पहुँच रहा है कि मैं क्या फील कर रही हूँ इट्स अ बिग मैसेज वो लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि द सॉन्ग्स आर कमिंग दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड माई जर्नी सो लेट्स सी आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस अमेजिंग जर्नी मैन छोटे उम्र में घर से निकलना yeah. ए, एक छोटा चंडीगढ़ छोटा शहर नहीं है हाँ, बड़ा ही शहर ही yeah. है बट फिर भी कंपेयर टू मुंबई अकेले आना yeah. अपना बेस बनाना यू नो लाइक विद योर आंटी जी का साथ आंटी तो वंडर वुमन है तो yeah, है, yeah तो exactly. वो तो दस आदमियों के बराबर है yes, सौ के बराबर सौ के बराबर बट यू नो यू हैड बट वो अकेले आना एंड ये बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है यू नो you know? क्योंकि हम लड़कों को समझ में नहीं आता क्योंकि लड़कों को क्या मतलब कुत्ते जैसे बाहर ही छोड़ देते हैं <laughs> कि भाई जाओ बाहर और उनको वी हैव टू बी हार्ड मतलब हम yeah, yeah. हमारे पास चॉइस नहीं है कि तो घरा नहीं नहीं, मतलब मराना ही है बट लड़कियों को है कि नहीं घर पे है फिर शादी बट यू ब्रेकिंग दैट पैटर्न आज के मॉडर्न टाइम्स में भी यू नो कमिंग फ्रॉम

तो फिर कैसे अचीव कर लेते आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा है <laughs> <laughs> जैसे हाँ आप जैसे लाइक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियों को होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जाओ डजेंट uh, मैटर कि आप कितने साल के मतलब मैंने फिफ्टीन में स्टार्ट कर दिया था आई एस टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली तो आप भी कर सकते हो अपने लिए जितना जल्दी इंडिपेंडेंट uh, आप ज़्यादा होगे ज्यादा पैसा इकट्ठा करके सेव करोगे तो यू विल वी लाइक मोर यू कैन डू वो एवर यू एंड टू मेक इसे लेना नहीं पड़ रहा है देना नहीं पड़ रहा है सिर्फ फैमिली को संभालो मजे करो जिंदगी को इंजॉय करोट्स द बिग गोल एंड आई एम लाइफ लाइको इंस्पायरिंग थैंक यू सो मच यार क्या साइन है ऐसा कैसा तेरा साइन क्या है ओके ऐसे ऊपर मैं गैंग साइंस करता हूं हमेशा तो आज मैं ऊपर ही उंगली ऊपर है थोड़ा ऐसा तो थोड़ा थम के ऐसे ऊपर इसी उंगली सीधी करो हां अरे ऐसे हां ऐसे ऐसे शिट या दैट्स नाइस